स्टूडेंट, आज हमारी एक्सेल की जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है। और क्लास नंबर 6 में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हम बेसिक, सिंपल एंड एडवांस चार्ट्स पे काम करेंगे, जिसके अंदर आप कॉलम चार्ट्स भी देखेंगे, बार चार्ट्स है, लाइन है, एरिया है, पाई चार्ट है, स्कैटर है, डेफिनेट चार्ट्स हैं, बबल चार्ट हैं, स्टॉक है, रडर चार्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर आप एडवांस और सिंपल चार्ट्स अलग से देखेंगे। अब ये चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? चार्ट्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आपके लेवल को, कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेमेस्टर वन में, सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। फर्स्ट करें आपकी 60 बनी है, सेमेस्टर टू में आपकी 65 बन गई, तो बार थोड़ा सा ऊंचा हो गया, सेमेस्टर थ्री में आपके जो है 70 बन गई, बार थोड़ा और ऊंचा हो गया। तो वो बार क्या कर रहा है? शो कर रहा है आपके लेवल को, ठीक है। आप मैच देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उसमें स्कोर जो ओवर हो रहे होते हैं वो बार से ही शो हो रहे होते हैं, चार से ही शो होते हैं। तो ये चार जो है आपका इसके लिए यूज़ होता है। आप चार्ट्स के लिए आपको क्या करना है, हमें जाना है। इसके लिए चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक शीट का होना, नंबर्स का होना ज़रूरी होता है, जिसका हमें चार्ट बनाना है, जिसका हमें चार्ट निकालना है, जिस पर हमें चार्ट पे काम करना है। तो हम एक्सेल पे आ जाते हैं। एक्सेल पे आने के बाद हम जो है यहाँ पर आते हैं, इसका पूरा हम जो है वो समझेंगे। मार्कशीट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। अब मार्कशीट में चार्ट मुझे किस चीज़ का बनाना है? मार्कशीट में चार्ट मुझे टोटल वगैरह का नहीं बनाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो है दूसरी मार्कशीट लेती हूँ, क्योंकि ये मार्कशीट जो है इस पर चार्ट में टोटल वगैरह है तो वो बीच में सही नहीं आएगा बार। मैंने यहाँ से लेना है चार्ट, ठीक है ना। देखिए, मैं नेम ले रही हूँ, अकाउंटेंसी ले रही हूँ, इंग्लिश ले रही हूँ, इकोनॉमिक ले रही हूँ, बिजनेस स्टडी ले रही हूँ, बस यहाँ से मैंने ले लिया ये। जब आप ये सिलेक्शन कर लेंगे, ड्रैगिंग कर लेंगे, तो फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट आपके पास यहाँ पर, ये चार्ट बार ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर इंसर्ट में आप ये देख रहे हैं, ये सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जो है आप यहाँ आएंगे, और यहाँ से जो है ये वाला का या ये वाला आप रिकमेंडेड चार्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने ले लिया, ये एक चार्ट आ गया, इसके अंदर रिकमेंडेड में यहाँ पर ये चीज़ है। तो अभी हमें इस पर नहीं जाना रिकमेंडेड में, हम जो है यहाँ आएंगे, सिंपल सा जो इंसर्ट बार चार्ट है, बार चार्ट में एक सिंपल सा चार्ट ले लेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने चार्ट आ गया। अब ये चार्ट आपका डिफाइन कर रहा है यहाँ पर कि क्या चीज़ क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ ये, तो ये बता रहा है यहाँ पर कि आकेश के, पहले तो ये देखिए, अकाउंटेंसी जो है वो ब्लू में, लाइट ब्लू, सही है। इंग्लिश जो है वो आपका ऑरेंज में, मैथ जो है ग्रे में, आपकी येलो जो है वो इकोनॉमिक्स में, और बिजनेस स्टडी ब्लू में, ठीक है। अगर आपको देखना है रिक्शा, रिक्शा के सबसे टॉप किस में आ रही है? ब्लू में, वो सॉरी ऑरेंज में। ऑरेंज क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश में रिक्शा के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। रिक्शा कहाँ है जी? यहाँ पर रिक्शा क्या है? रिका है, रिका, सॉरी रिका जो है यहाँ पर, इसके सबसे ज़्यादा किस में बता रही हूँ मैं, नंबर है रिका के, इसमें जो है इसके इसमें है। ऑरेंज वाला क्या है? इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ और इंग्लिश देखूँ, तो देखें 89 सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इसके, ठीक है। अगर यहाँ पर 89 में देखूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्क ये है। मैं इसको अभी हाइड कर देती हूँ इन कॉलम्स को, ताकि ये आपके सामने से हट जाएँ, ठीक है ना। ये भी कॉलम हाइड कर देती हूँ, पहले अनहाइड करती हूँ इसको सबको, ठीक है। और एक मिनट, इसके बाद ये चारों को लेकर मैं इसको हाइड कर देती हूँ, ताकि ये आपके सामने से हट जाए, हमें वो समझने में आसानी है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है आपने ये देखा यहाँ पर। अब अगर हमें देखूँ कि ये आकेश जो है, इसके येलो क्या है? इकोनॉमिक्स, सबसे कम मार्क्स है। तो आकेश की अगर मैं इकोनॉमिक्स में देखूँ तो 13 मार्क्स सबसे कम है, सही है, आ रहा है समझ में। तो ये चार्ट ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर 13 मार्क्स जो है वो सबसे कम मार्क्स हैं। अब यहाँ पर जो है, जब मैं इसको करती हूँ, ये तो आपको पता चल गया, बार चार्ट आपका ये यूज़ हो रहा होता है, यूँ जो है ये काम कर रहा होता है। यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर क्या टाइम पे आया करें, सबको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है वर्टिकल टैक्स आपने कर लिया, तो ये इस तरह से आ गया। और यहाँ पर जो है, अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ, तो ये आपका ये आ गया। ये ज़्यादा आपको ईजी लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पर ये चीज़ आपने इस तरह से इसकी कर ली है, वो मैंने अभी मैं पूरा चार्ट समझाऊंगी आपको। यहाँ पर जब आते हैं तो ये आपका ये, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन, और आप भी मुकीम इसी क्लास में शामिल हैं, ये एक्सेल की आप ही की क्लास है। हाँ नहीं मैं भूल गई दरअसल आपको बोलना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है चार्ट हमने जो डिफाइन किया है, इसके अंदर जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, चार्ट बनाते हैं आप इंस्टेंट में जाके, तो आपके सामने दो, मैं आपको कहा था मैं चार्ट शुरू होने से पहले आपको बोल दूँगी लेकिन मैं भूल गई। यहाँ पर जो है आपको चार्ट जो है आपके सामने बन गया। जब चार्ट पे क्लिक करते हैं दो एक्स्ट्रा मेन्यूज़ आ जाते हैं, एक डिज़ाइन का मेन्यू जैसे टेबल में आ जाता है और एक फॉर्मेट का मेन्यू, ये दो एक्स्ट्रा मेन्यू आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब आपके ये दो एक्स्ट्रा मेन्यू ये क्या काम करते हैं, चले हम जो है सबसे पहले फॉर्मेट के मेन्यू पर आते हैं। फॉर्मेट के मेन्यू में यहाँ पर जो है आप इसकी रो की हाइट वगैरह ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सब कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे चार्ट पे यूज़ नहीं होंगी, बेसिकली चार्ट पे यूज़ होगा हमारा डिज़ाइन मेन्यू यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें नई चीज़ें आपकी, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ से करूँ मूव चार्ट, मूव चार्ट का मकसद ये है कि ये एक नई शीट पे आपका चार्ट मूव हो जाए, एक नई शीट यहाँ पर बन जाए और ये नई शीट पर आ जाए। यह आपका वो है जो आपकी ये चार्ट बन, और ये आपकी जो है यहाँ पर जो शीट थी यहाँ पर यहाँ आ गई है। ये बेसिकली जो शीट मैंने ली थी आपकी वो कैलकुलेशन वाली शीट यहाँ पर आ गई है, और ये चीज़ लास्ट में ली थी मैंने शायद, हाँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ गई है और यहाँ पर ये शीट है, ठीक है ना। ये दोनों चार्ट उसी के या तो लेफ्ट साइड पे आएगा या राइट साइड पे आएगा, ठीक है। ये मूव हो गया चार्ट आपका, यहाँ से मैंने मूव करवा दिया। अब अगर आप दोबारा से वो करना चाहें, आप डिज़ाइन पर आएंगे, ठीक है ना, डिज़ाइन पर आप आएंगे। डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ पर जो है आप इसको दोबारा से मूव करवा देंगे, कहाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जहाँ पे आपकी मार्कशीट है। ये वापस से अपनी उस पोजीशन पर आ गया, मूव से ये होता है एक नई शीट पे ये मूव हो जाता है, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा चार्ट टाइप, आप चार्ट टाइप बदलना चाहते हैं, यहाँ पर इतनी सारी चार्ट टाइप्स हैं। देखिए आपको ये भी समझा दूँ मैं, चार्ट में बार में कॉलम में देखें तो इसमें इतनी सारी टाइप्स हैं आपकी, सिर्फ कॉलम्स की। फिर लाइन में आ जाएँ तो लाइन में ये टाइप्स हैं आपकी, फिर पाई में आ जाएँ तो पाई में ये टाइप्स हैं आपकी, ये इतनी सारी टाइप्स आपकी दी हुई हैं, ये सारी आपकी टाइप्स हैं, ठीक है। फिर बार में आ जाएँ तो बार में ये टाइप्स हैं। ये सारी चार्ट की टाइप्स हैं कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। आपको जो भी चार्ट चाहिए वो चार्ट यहाँ पर आपका आएगा, वो चार्ट यहाँ पर आपका बनेगा। अब जैसे फ़र्ज़ करें मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो पाई चार्ट मेरा ये आ रहा है, मैंने यहाँ पर ये वाला पाई चार्ट ले लिया या ये वाला ले लिया, ओके कर दिया, अब ये मेरा जो है ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहां से चार्ट टाइप भी बदल सकते हैं। कॉलम में आई मैं वापस, मैंने दोबारा से अपना नॉर्मल कर दिया क्योंकि मुझे इस पे चीज़ें समझानी है आपको। सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा से डेटा सेलेक्ट होगा आपका। डेटा सेलेक्ट होने के बाद आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है लीजेंड होते हैं, लीजेंड जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें यहाँ पर मैंने एडिट कर लिया इसको 1990 में, ओके यहाँ पर ये लीजेंड 1990 में हो गया। यहाँ पर जो है अभी लीजेंड आपको बताती हूँ कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये लीजेंड जो है ये आ रहे, ठीक है, ये लीजेंड 1990 में हो गया। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 1920, ठीक है, ये किस में हो गया 1920 में। अब अगर यहाँ पर आप चाहें एडिट करना और आप यहाँ से कोई नंबर लेना चाहें तो आप यहाँ से नंबर लेके भी ओके कर सकते हैं कि ये नंबर में आ रहा, ठीक है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो ये लीजेंड को अगर आपको चेंज करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, सही है। आपने यहाँ पर इसको जो है ओके कर दिया, या आपका जो है आपका सेलेक्ट डेटा इस तरह से कि आप लीजेंड, ये लीजेंड कहलाते हैं आपके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई सेलेक्ट डेटा रो कॉलम, यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपके, ओके कर दिया आपने, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर स्विच टू रो और स्विच टू कॉलम आपका जो है अभी ऑन नहीं है क्योंकि इस पर ये वाली चीज़ हम चला देंगे, लेकिन यहाँ से आप जो है चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट आपको नंबर वाला चार्ट स्टाइल चाहिए, आपको ये वाला चार्ट स्टाइल चाहिए, आपको ये वाला चार्ट स्टाइल चाहिए, जो भी चार्ट स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से जो है वो चार्ट स्टाइल जो है अपना ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो भी आपका होगा वो यहाँ से चार्ट स्टाइल आपका आ जाएगा और यहाँ से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट
है कि आपका चार्ट आपकी बार आपके लेवल को बता रही होती है, किसके नंबर आपके ज़्यादा हैं। हाँ, ग्राफिकली आपको अगर देखना हो तो ग्राफिकली आपकी चीज़ जो है इसको बता रही होती है। ठीक है, अब मैं इसको जो है सिंपल सा लेती हूँ, यहाँ पर सिंपल सा चार्ट, यहाँ पर जो है सिंपल वाला आपका जो है यहाँ पर ये चार्ट आ गया। देखिए, अब यहाँ से मुझे डेटा वगैरह ये सब वो करना है, यहाँ पर ये ब्लैक वाला है, यहाँ पर ये डेटा वगैरह ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा वगैरह ख़त्म करने के लिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास ये डेटा लेबल्स हैं, डेटा लेबल्स नन कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अभी मैं ये पूरा आपको समझा रही हूँ, पहले यहाँ से मैं बता दूँ आपको, यहाँ भी आपका ये नन वाला मौजूद है, ये जिसके अंदर सिंपल आपका चार्ट आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ से आपने दे दिया है कोई, तो ये आपका नन वाला मौजूद। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया चार्ट स्टाइल, हो गया हमारा। यहाँ से आपका जो है ये स्विच डेटा, अभी बताती हूँ मैं, स्विच रो ये सेलेक्ट वो हो गया जहाँ से लीजेंड आप सेट करते हैं, ये लीजेंड है आपके, ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ अभी हेडिंग्स वगैरह सब बताती हूँ आपको कहाँ से, ये आपका चार्ट टाइप है कहाँ से होगा, और ये आपकी मूव शीट है कि आप चार्ट अपना एक शीट से दूसरी शीट पे मूव करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप आ जाएँ इस पर, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ग्रेडियंट में कोई कलर आपको लेने हैं वो आ जाएंगे, अगर सॉलिड कलर लेना है तो ये सॉलिड कलर में तीन आपके कलर इस तरह से चेंज करेगा ये। ठीक है ना, ये इस तरह से आपके कलर जो हैं वो चेंज होंगे, ये इस तरह से आपके कलर चेंज होंगे, ये इस तरह से आपके कलर चेंज होंगे। ठीक है, और आप ग्रेडियंट मिलेंगे तो ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट वो होता है जो एक से ज़्यादा कलर्स का वो होता है, जो है आपका ये ग्राफ आपने देखा। अब चेंज कलर में जो है, जो ग्रेडियंट में बता रही थी, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट वो होता है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, एक कलर का कभी भी ग्रेडियंट नहीं होता, मिनिमम टू कलर्स होंगे तो आपका ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट जो है मल्टीपल कलर्स का कम्बिनेशन ग्रेडियंट कहलाता है, मिनिमम आपके टू कलर्स होते हैं, मैक्सिमम आपके बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ग्रेडियंट आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। देखिए, इसी की टोन चल रही है, लाइट डार्क, इसी की टोन चल रही है, इसी की टोन चल रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप ये देखें, अगर ये ग्रेडियंट लेती हूँ मैं तो डार्क लाइट सब, जैसे आपका अगर 100% ब्लू है तो फिर आपका 50% ब्लू है, फिर आपका 25% ब्लू है, फिर आपका 10% ब्लू है। ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है क्विक लेआउट में। क्विक लेआउट में यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई, यहाँ पर ये आ गया आपका, यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। ये इसमें क्या है जनाब, इसमें जो है ये आपका ये लेआउट वन है। लेआउट वन में आपका लीजेंड जो है कहाँ है, राइट हैंड साइड पर। लीजेंड्स कहाँ हैं आपके, राइट हैंड साइड पर, ऊपर चार्ट टाइटल है। अगर मैं ये लेती हूँ तो यहाँ पर देखिए चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल में फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया मार्कशीट। ठीक है ना, ये मार्कशीट दे दी मैंने आपको। ठीक है, और ये आपके लीजेंड आ गए, सही है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर आप ये वाला लेते हैं तो देखिए लीजेंड कहाँ गए आपके, टॉप पे आ गए। ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं लीजेंड कहाँ गए, नीचे आ गए। ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे भी आपका आ रहा है टाइटल, इस पर इस वाले स्टाइल पे आपको वाई एक्सिस पे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट करें वाई एक्सिस पे दे दिया। कौन बातें कर रही है, सब्जेक्ट वॉइस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी। अगर बातें करना है तो बाहर चले जाइए, सही है। यहाँ पर जो है आपने सब्जेक्ट वॉइस में देखिए, इसमें क्या है, इसमें ये टाइटल ऊपर है, ये लीजेंड यहाँ है, ये सब टाइटल आपका है जो वाई एक्सिस पे, और ये नीचे यहाँ टेबल भी शो हो रहा है, यानी दोनों चीज़ें आ रही हैं, चार्ट भी आ रहा है, टेबल भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला ये स्टाइल है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं जो कि आप आगे यूज़ करेंगे, आगे आपको ये तमाम चीज़ें यूज़ करना होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ, यहाँ पर जो चीज़ें हमने यहाँ से की हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। एक्स एक्सिस प्राइमरी हॉरिजॉन्टल करेंगे यह आ जाएगा, प्राइमरी वर्टिकल करेंगे यह आ जाएगा, और नो करेंगे तो ये रहेगा। ठीक है ना, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल मैंने कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, प्राइमरी वर्टिकल मैंने कर दिया, सॉरी प्राइमरी वर्टिकल मैंने कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है प्राइमरी इसको वर्टिकल रहने देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से ये इसको जब बड़ा करेंगे हम तो ये जो गिच पिच आ रहा है ना ये थोड़ा सा खुल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ एक्सिस पे आ रहे हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यही यहाँ आ जाएगा। टाइटल देखें कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नज़र आ रहा है ये एक्सिस टाइटल, और प्राइमरी वर्टिकल पर आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा है मौजूद। इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल नन कर दें तो ये आपका चार्ट टाइटल खाना हो जाएगा। अबव पे देना है आपको या सेंटर ओवरले देना है, सेंटर ओवरले में ये आ जाएगा, ये अबव आ जाएगा।
डेटा लेबल्स अगर लर्न करने हैं तो यहाँ जाएंगे सेंटर में करने हैं डेटा लेबल्स, जितने नंबर हैं वो डेटा लेबल्स कराते हैं वहाँ पर। ये करना है आपने, आपने इनसाइड एंड करना है, आपने इनसाइड बेस करना है, ये इसके सारे स्टेप्स दिए हैं जो कि आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर लीजेंड कीज जो है, यहाँ पर विद लीजेंड की, यहाँ पर नन तो लीजेंड की के बगैर आ रहा है, यहाँ पर आपने लिया तो यहाँ पर जो है ये विद लीजेंड की आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नो लीजेंड की, यानी लीजेंड आपके कौन से जो अंदर की तरफ ये दे रहा है, ये देखिए ये है लीजेंड। लीजेंड जो है बेसिकली ये हैं जो इसके डॉट्स हैं ना, ये इसके साथ अगर आप लेंगे तो इसके साथ आपके आएंगे, ठीक है ना। और नो करेंगे तो देखिए इसके साथ नहीं आ रही, यानी स्क्वायर्स नहीं आ रहे कलर वाले, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे एरर बार, एरर बार जब शो होती है, जब कोई एरर आ रहे होते हैं आप इस तरह की, ये देखिए यहाँ पर ये एरर बार इस तरह से शो होंगे क्योंकि अभी कोई एरर नहीं आ रहा, सिर्फ वैल्यूज है तो उस पर उसने ये बार शो कर दिए। यहाँ पर जो है आपका ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन प्राइमरी आपको चाहिए, प्राइमरी मेजर वर्टिकल चाहिए, ये देखिए अंदर ग्रिड लाइन आ रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रिड लाइन आपकी माइनर वर्टिकल चाहिए आपको, या आपको जो है सिंपल हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये सिंपल हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। तो यहाँ से ये आपकी लीजेंड आप नहीं चाहिए तो हट जाएंगे लीजेंड, राइट साइड पे जाएंगे राइट साइड पे आ जाएंगे। ये दो पैराग्राफ हैं आप पहले वाले पे यूज़ हो रहा है, ये लीजेंड पे काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने स्टाइल दूसरा लिया हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पर टॉप लेफ्ट बॉटम जहाँ भी आपको लीजेंड चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी ट्रेंड लाइन, आपकी ट्रेंड लाइन अभी इस पर नहीं बनेगी, ट्रेंड लाइन के लिए हमें उसका वैसा चार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है ये इसको शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी आपकी, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन है और ये आपकी चीज़ ये मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर यू करके, ठीक है। तो ये चार्ट की हमने पूरी बार देख ली। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट मेन्यू आपको सबको आता है, किस तरह से वो करना है, किस तरह से ये करना है, इसमें हमारी कोई चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अब देखिए अगर आप यहाँ पर आते हैं सिलेबस में, और सिलेबस में आके मैं आपको दिखाऊँ चार्ट शीट में क्या करना है। अभी मैं आपको एडवांस वाला बताती हूँ। एक्सेल और चार्ट्स में हम आ जाएंगे कहाँ पर, बेसिक शीट चार्ट्स। इसमें देखिए एक बेसिक चार्ट्स है, बेसिक चार्ट्स में आपके पास ये शीट मौजूद है। इस तरह से आपने काम करना है, इसका ये बनेगा और इसी तरह से ये चार्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी शीट हम लेते हैं, ये इसका बनेगा, इस तरह से चार्ट आएगा, तीसरी का इस तरह से आएगा, चौथी का इस तरह से आएगा। मुझसे ना बोलिएगा कि ये लाइन नहीं आ रही, आप अपनी वैल्यूज अपनी चीज़ें आप चेक करेंगे, अगर आप रफ टाइपिंग करेंगे ये चीज़ नहीं आएगी। इसके बाद आप जो है यहाँ पर ये आपका आ रहा है, इसका चार्ट ये बनेगा, इसका चार्ट ये बनेगा, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है इसमें, इसका चार्ट ये बनेगा, इसमें ये चार्ट यूज़ होगा, ये कलर थीम यूज़ होगी, इसमें ये चार्ट यूज़ होगा, इसमें ये चार्ट, इसमें ये, इसमें ये, इसमें इस तरह से चार्ट बनेगा, इसमें इस तरह से बनेगा, और ये इस तरह से आएगा। ये दोनों जो अभी ऑप्शन बताए थे आपको हुए, तो ये आप जो है यहाँ करेंगे। अब आ जाते हैं हम एडवांस पे। एडवांस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारी चीज़ें ये। एडवांस में दरअसल बेसिकली जो चीज़ें होती हैं आपकी वो इसी तरह से होती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है। एडवांस में ही देख रहे हैं आप, इस तरह से हमें काम करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मैन्युअली हमें उस चीज़ को हिलाना पड़ता है। ये अभी टाइपो आपको जो है ये बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जब मैं आती हूँ एक्सेल पे, अब मैं इसी का एडवांस चार्ट बनाती हूँ, ठीक है। एडवांस चार्ट बनाने के लिए मैंने इसको हाइड कर दिया था, ये दोबारा से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, मुझे सेव नहीं करना अभी, ठीक है। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैंने जो है इसका, बल्कि नहीं ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूले को मैं क्या करूँगी, कंट्रोल सी लास्ट वाला था, चलें वही ले लेती हूँ। फिर लास्ट वाले के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, ये आपको बताया था, और यहाँ पर जो है यहाँ आ जाती हूँ, और ये कितनी शीट्स बनी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने ये ले लिया, यहाँ पर लेने के बाद इसको मैंने डबल क्लिक कर लिया ताकि ये एक ही उसमें आ जाए। अच्छा ये डबल दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये जो है इस तरह से ये आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर लिया मैंने, अब मैं चार्ट बना रही हूँ इसका। इंसर्ट में जाऊँगी, इंसर्ट में जाने के बाद चार्ट ले लूँगी मैं, कोई सा भी चार्ट, ये वाला चार्ट मैंने ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट आ गया आपका, इस चार्ट को मैं टाइप कर देती हूँ पाई चार्ट, ठीक है ना। पाई चार्ट ही ले लेती मैं, लेकिन
मैंने ये ले लिया, चले गए, पाई चार्ट कर दिया मैंने, ये पाई चार्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आप इसको एडवांस में देखिए, एडवांस बनाने के लिए अगर कोई चार्ट है तो ये वैल्यूज़ वगैरह आ रही हैं आपकी आपकी, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आपको देनी है, इस तरह का आपका चार्ट है, आपने इस तरह से ले लिया। लेकिन अब इसको मैन्युअली कैसे करेंगे, आप मैन्युअली करने के लिए इसको थोड़ा सा आपने आगे पीछे करना होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे पीछे करना होगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पर जब आप लेंगे, आपका जो है वो क्या कहलाता है, जो ये बटन होता है आपका यहाँ पर, ये बटन क्या कहलाता है, ये बटन क्या कहलाता है, वर्ड में क्या कहलाता था ये आपका बटन, क्या कहलाता है ये, राइट क्लिक करी हूँ मैं, नहीं बताऊंगी, खुद देखिएगा। ठीक है, आप लोगों से कोई चीज़ पूछ के अपना खून जलाने वाली बात होती है ना, वो होता है, सही है। यहाँ पर जो है मैं इसको जो है फॉर्मेट सेल पे जाती हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं फॉर्मेट इस पर आ गई, ये खुल गया आपके सामने, यहाँ पर यही चीज़ यहाँ से खुलती है, लेकिन मैंने यहाँ से खुली है। यहाँ पर देखिए फिल में आ जाती हूँ मैं, चार्ट पे काम कर रही हूँ अभी, ये फिल है, यहाँ पर जब मैं इस पर काम कर रही हूँ तो यहाँ से ये चीज़ आपकी आ रही है, ठीक है ना, ये चीज़ आ रही है। यहाँ पर चार्ट पे कोई भी आप ये चीज़ दे सकते हैं, यानी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं इस तरह से। आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे ये वाली चीज़ को, तो इस पर आप दे सकते हैं, हर एक को आपको अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है ना, कि आप अलग सेलेक्ट करके देंगे, सही है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आप भी दे सकते हैं जो भी आपको देना हो, अगर कोई पिक्चर आपको देनी है तो आप पिक्चर भी दे सकते हैं, पिक्चर अभी हम बार पे देंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ से शेडो वगैरह आपको जो भी देना हो, यहाँ से शेडो वगैरह, आप ग्लो वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। शेडो अगर आपको देना है, मुझे शेडो जो है वो ये वाला देना है, ये वाला शेडो मैंने दे दिया, ये वाला शेडो देने के बाद मैंने साइजिंग थोड़ी सी आउट कर दी इसकी, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ से जो है ये ईशा की आवाज़ मुझे मुस्तकिल आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये ले लिया, एंगल जो है यहाँ से इसको ये बढ़ा लिया, ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ग्लो वगैरह आपने लिया, ग्लो वगैरह को यहाँ से जो है फर्श करें, ये वाला ग्लो मैंने ले लिया, ये इस तरह से आ गया, ये तो आपको पता चल गया कि इस तरह से इसकी सारी। अब यहाँ आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए प्राइमरी एक्सिस तो यार है, प्राइमरी एक्सिस में एंगल अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाऊँ तो देखिए ये एंगल से मूव हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको कभी चार्ट में इस तरह से चाहिए तो आप यहाँ से जो है इसको मूव करेंगे, ये देखिए मूव हो रहा है ये एंगल वाइज, ठीक है, उस तरह से सेटिंग करनी है। यहाँ से पाई एक्सप्लोजन जो है, पाई एक्सप्लोजन आपका ये देखिए बीच में से आपका क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये जो है ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब आपका ये तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ से जब भी ये होगा आपका, आपको जो भी सेटिंग करनी होगी वो यहाँ से करेंगे और बाकी आप मैनुअल करेंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। इस तरह की कोई आपको सेटिंग करनी होगी तो वो आप यहाँ से करेंगे। तो ये आपकी मैनुअली एडवांसमेंट होती है जो कि आप सारी कंट्रोलिंग ये फॉर्मेट शेप से करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई, या आप यहाँ से खोल लो इसको सेलेक्ट करके, या आप वहाँ से ले लो, यहाँ पर जो है ये आपका इससे खुलेगा, और यहाँ पर जो चार्ट आपका आएगा इंसर्ट में, उससे आप जो है यहाँ पर ये चीज़ आप खोलेंगे तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। और जब सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग कर लेंगे, आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो फॉर्मेटिंग में आपकी यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से आएगी, लेकिन आपको राइट क्लिक करके करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है, वो डायरेक्ट उस पर ले जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं यहाँ से बार चार्ट ले रही हूँ, बार चार्ट पर आपको पिक्टोरियल चार्ट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है ना। इंसर्ट में मैं गई, इंसर्ट में जाने के बाद आपको मैंने यहाँ पर बार चार्ट ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये बार चार्ट आ गया, बार चार्ट आने के बाद ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। अंडू कर लेती हूँ इसे मैं, और अब मैं यहाँ पर इसको लूँगी, दोनों को आप करेंगे तो हो गया, ये बार चार्ट आ गया आपका। इसके बाद आप जो है यहाँ पर जो है राइट क्लिक करते हैं हम, और इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ सब्जेक्ट मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसमें जो पिक्चर है वो आपकी क्लियर नहीं होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ तीन सब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है, तीन सब्जेक्ट का चार्ट बना रही हूँ, तीन सब्जेक्ट का चार्ट लेकर मैं इंसर्ट कर रही हूँ, इंसर्ट करके यहाँ पर यही बार चार्ट ले लूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं पिक्चर जो बार चार्ट पे आती हैं, बार चार्ट के अलावा नहीं आती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया, इसके बाद मैंने राइट क्लिक कर लिया, राइट क्लिक करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर फॉर्मेट डेटा सीरीज, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ये चीज़ मेरी आ गई। इसके बाद मैंने यहाँ पर आई,
इसमें जो है आपका फिल्में आ जाती हूँ मैं। फिल्में आने के बाद यहाँ पर आपका पिक्चर आ गया, पिक्चर में फाइल आ गई आपकी। फाइल में जो है यहाँ से डेस्कटॉप पे फ्लैट आइकन आपके पास है, इसमें ट्रांसपेरेंट पिक्चर होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मुझे कोई ये देना है पिक्चर, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर दे दिया, आ गई है। लेकिन क्या हुआ है कि एक एक पिक्चर आई है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर वो करना है तो आप स्टेक कर दीजिए। स्टेक में क्या होगा आपकी कि मल्टीपल पिक्चर्स आ जाएंगी। आ गई आपकी मल्टीपल पिक्चर्स स्टेक में। स्टेक स्केल भी तो आप छोड़ दीजिए, स्केल भी अगर करेंगे यहाँ पर बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी 2 3 असर नहीं होगा। इसको यहाँ पर लेती हूँ मैं स्टेक में। स्टेक में जाके अगर मैं यहाँ पर इसको 10 देती हूँ तो ये जो है इस तरह से पिक्चर आएगी, ठीक है ना। और 50 देती हूँ इसे मैं तो ये फिर इस तरह से आपकी पिक्चर लेगा, लेकिन ये इस तरह से देगा। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आपका कि आप यहाँ पर आएँ और इसको स्टेक कर दें, आप ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है ना। पहली चार्ट हो गया, दूसरी चार्ट में आपको दूसरी पिक्चर देना है तो यहाँ पर ये ले लिया आपने। इसके बाद आप यहाँ फिल्म में पिक्टोरियल में आ गए। पिक्टोरियल में आने के बाद आप फाइल में आ गए। फाइल में आने के बाद इस पर फ़र्ज़ करें कि मैंने जो है इस पर ये दे दी, ठीक है ना, फ़िश को दे दिया। फ़िश को देने के बाद मैंने यहाँ स्टेक कर दिया। ये देखिए आपकी फ़िश की भी आ गई, ठीक है ना। जो चार्ट था जितना था उस पर इसने दे दिया। तीसरे वाले पे आती हूँ मैं। तीसरे वाले पे मैंने जो है यहीं पर पिक्टोरियल दिया। पिक्टोरियल देने के बाद ये बाद वाले चार्ट में आएंगी पिक्टोरियल, या आपके लाइन में या आपके जो है उसमें नहीं आएंगी, दूसरी चीज़ों में, ठीक है ना। मैंने ये डॉग दे दिया यहाँ पर, ये डॉग आ गया और इसको स्टेक कर दिया आपने, इससे आ गया। आप यहाँ से स्ट्रेच करके 2 3 भी करेंगे तो उससे भी आ जाती है, लेकिन वो चीज़ आपकी जो है उसमें वो फिनिशिंग आती है। देखिए आप यहाँ पर ये हो गया। इसको मैंने आपको बताया कि इसको आप जो है यहाँ पर ये करके और यहाँ पर जो है अलाइनमेंट, आप जो है यहाँ पर जाके आप इसकी अलाइनमेंट जो है इस तरह से कर दें आप, तो ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। अब आपको जो चार्ट का आपका कलर है वो आपको शीट के कलर की तरह से करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आए आप, यहाँ से आपने जो है कलर इसका ग्रीन की थीम है, आपने यहाँ ग्रीन कलर दे दिया इसको, ठीक है ना। यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको, आप पैटर्न भी दे सकते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। यहाँ से थोड़ा डार्क कलर दे दिया। यहाँ पर आए आप, यहाँ पर आपने इसको थोड़ा फिर लाइट कलर दे दिया ये वाला, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ गई। फॉन्ट के कलर भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, फॉन्ट के कलर आपको देना है यहाँ पर। ये फॉन्ट के कलर, फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और फॉन्ट का स्टाइल भी दे सकते हैं आप यहाँ पर। ये जो है स्टाइल्स हैं ये तमाम, देखिए सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है आप कितना अच्छा अपना चार्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये देखें अगर आप, तो आपके सामने पिक्टोरियल चार्ट आपका क्रिएट हो गया है और इस तरह से आपकी पिक्चर भी आ गई है, ठीक है। तो ये आपके एडवांसमेंट में आती है, ये पिक्टोरियल चार्ट आपके ये होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यहाँ तक मैंने ला के रोक दिया था। ये इस तरह से आपकी ये शीट बनेगी, उसके ये पिक्टोरियल चार्ट आपके बनेंगे, ठीक है। एप्पल आपके पास मौजूद है, इसको इसी तरह बनाना होगा, कुछ मैनुअली कुछ वहाँ जाके आपने जो है राइट क्लिक करके और फॉर्मेट से वो लेना होगा। यहाँ पर ये इसका ये चार्ट बनेगा, ये चार्ट का स्टाइल आपके पास मौजूद है, इसका ये बिल्कुल एज इट इज बनेंगे। और आपने समझ के करना है, खुद से करना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपने खुद से करना है। सारे चार्ट्स बनेंगे आपके, सारी चीज़ें आपकी होंगी, सब कुछ आपका काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो हमारा सिलेबस कवर हुआ है उसमें चार्ट्स हैं, एक बेसिक चार्ट्स आपके कवर हुए हैं सारे, ठीक है, एक एडवांस चार्ट आपके कवर हुए हैं। तो ये चार्ट्स का आपने बनाने हैं और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, समझ के करना है, सिर्फ छपाइयाँ नहीं करनी। आपको कॉम्प्लिकेशंस होगी लेकिन सब ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा आपने मैनुअली भी काम करना होगा, थोड़ा सा आपने उसके सेटअप में जाके करना होगा, राइट क्लिक करके आपके जाके फॉर्मेट सेल में से आपको काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमारी क्लास थी, हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने कवर कर ली हैं, जो भी थी, सिंपल चार्ट भी, पिक्टोरियल भी, और ये सारे आपके स्टाइल भी हो गए। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर एक्सेल की चार्ट्स और मार्कशीट हम पहले कर चुके हैं, कंप्लीट होती है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। थैंक यू।